हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि बिहार पुलिस की जो सिपाही भर्ती चल रही है उसके 21 मार्च 2021 को होने वाली रविवार को एग्ज़ाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आयोग द्वारा और पेपर के माध्यम से दिया गया है, तो इसी के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले जितने लोग इसके पहले की जो एक वीडियो हमने आपको बताया था जहाँ पर एक भ्रामक अफवाह फैली थी कि 21 मार्च वाली एग्ज़ाम जो है रद्द कर दी गई है, तो उसी के बारे में स्पष्टीकरण आया है क्या एग्ज़ाम रद्द की गई है या नहीं, तो वीडियो को देखेंगे। आपको ये पेपर के माध्यम से और आयोग की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी हमने देखा है, उससे संबंधित कुछ खबरें निकल कर आई है। तो वीडियो को एक बार शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो कि इस अफवाह में फंस गए हैं, जो कि उनको लगा है कि 21 मार्च वाली एग्ज़ाम होगी या नहीं, तो उनको कंफर्म कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खबरें। है दैनिक जागरण की ये खबर है कि सिपाही भर्ती परीक्षा में अफवाह फैलाने पर प्राथमिकी यानी कि FIR दर्ज करा दी गई है। कहता है केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की 21 मार्च को होने वाली परीक्षा दोनों पालियों में अपने पूर्व निर्धारित समय पर होगी। परीक्षा एवं परीक्षा रद्द करने की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ पार्षद हुई थी पहले चरण की परीक्षा, इसी में अफवाह बहुत ज़्यादा फैलाया गया था, तो इस सभी को लेकर के आयोग फिर से सतर्क हो गई है और इस बार फिर से ये निर्देश दिया गया है आपको कि समय पर पहुंचे अभ्यर्थी। 21 मार्च को पहली पाली के परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को सुबह 9 बजे केंद्र पर रिपोर्ट करना है। 9:40 बजे तक ही उन्हें केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी। दूसरी पाली में शामिल होने के लिए दोपहर 1 बजे से केंद्र पर रिपोर्ट करना है। दोपहर 1:40 बजे तक पहुँचने वालों को ही प्रवेश दिया जाएगा। ये पिछले 14 मार्च वाले में भी ऐसा ही कहा गया था, पर बहुत सारे लोग ऐसे थे, खास करके हर एक ज़िले में ऐसा सुनने को मिला है कि 9:40 के बाद भी एंट्री मिली है। तो इस बार आयोग थोड़ा सतर्क रहेगा, तो आप अपने समय से 9:39 तक ही आप कोशिश करें कि सेंटर में अंदर इन कर जाएं, ताकि बाद में आपको परेशानियां ना हो, क्योंकि जितनी अफवाह 14 मार्च को फैली है इससे आयोग तो सतर्क रहेगा ही, साथ ही कॉलेज प्रशासन भी सतर्क रहेगी। तो अब आपके पास कोई ये उपाय ना है ये सोच करके न जाएं कि आपको एंट्री मिलेगी या नहीं। 9:40 और 1:40 तक आप एंट्री कर जाएं, ठीक है, समय से सेंटर पर पहुंच जाएं। और देखिए यहाँ पर है कि 21 मार्च की परीक्षा को ले फैलाई गई थी अफवाह। पर्षद के अध्यक्ष ने बताया कि 21 मार्च को होने वाली लिखित परीक्षा दो पालियों में निर्धारित समय से आयोजित की जाएगी। कुछ शरारती तत्वों ने इस परीक्षा को स्थगित करने की झूठी अफवाह फैलाई है। आयोग ने मामले की संज्ञान में लेकर FIR कराई गई है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे झूठी एवं भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। किसी भी सूचना के लिए परिषद की आधिकारिक वेबसाइट एवं समाचार पत्रों का सहारा लें। तो अब यहां से कंफर्म हो गया, आपको हम इसके और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ले चलेंगे जहाँ से PDF जो है उसे आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या कहा गया है। आइए दिखाते हैं आपको वो PDF भी। यह है केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की ओर से प्रेस विज्ञप्ति आया है, जहां पर विषय है केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की व्यापन संख्या 5/2020 के अधीन लिखित परीक्षा दिनांक 1/3/2021 के संबंध में। कहा जा रहा है सर्वसाधारण को विशेष रूप से अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की विज्ञापन संख्या 5/2020 के अंतर्गत बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 21/3/2021 को होने वाली लिखित परीक्षा दोनों पालियों में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। कुछ शरारती तत्वों द्वारा इस परीक्षा के अपरिहार्य कारण से स्थगित करने की झूठी खबर की जा रही है, इससे अभ्यर्थी भ्रमित ना हो। साथ ही कह रहा है कि यह भी सलाह दी जाती है कि परिषद की परीक्षा तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में परिषद के आधिकारिक वेबसाइट एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित आधिकारिक सूचनाओं को ही मान्यता दें, अफवाहों एवं भ्रामक खबरों पर ध्यान ना दें। यानी कि परिषद ने आपको पेपर के माध्यम से भी और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी आपको बता दिया है कि 21 मार्च की एग्ज़ाम आपके सही समय पर पूर्व निर्धारित जो भी समय है वही समय पर होगा। तो आप पूरे प्रिकॉशन के साथ जो हमारे कोरोना के कारण जो की गई है आराम से जाएं, प्रिकॉशंस को लेते जाएं, जो भी मास्क सैनिटाइज़र आपके पास है उसे लेकर के जाएं और समय पर पहुँचें।
इतना ही है। बाकी आज की खबरों के लिए इतना ही। आगे जैसे ही नए खबर आएंगे निकल करके आपके एग्ज़ाम से संबंधित, उसे हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करके उन्हें भी बता दें। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।